हरियाणा सहित महाराष्ट्र में आगामी 21 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहे हैं। बात करें हरियाणा राज्य की तो हरियाणा राज्य में 90 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से एक करनाल शहर, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं करनाल सीट से भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने कांग्रेस ने भी पंजाबी कार्ड खेलते हुए सरदार त्रिलोचन सिंह को उम्मीदवार बनाया। आज करनाल शहर के मुख्य मार्गों पर पदयात्रा कर रोड शो किया व अपने लिए वोट की अपील भी की। अपने कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को भी मौजूद रहे। सरदार त्रिलोचन सिंह के साथ टुडे 24 खास बातचीत के दौरान तीखे सवालों का जवाब देते हुए, करनाल की जनता पिछले 5 साल की भूल को इस बार सुधारने का काम करेगी। मैं करनाल शहर के हर गली मोहल्ले से वाकिफ हूँ, सरदार त्रिलोचन सिंह। हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो बुढ़ापा पेंशन 5,000 हो जाएगी। महिलाओं की उम्र 55 वर्ष और पुरुष की उम्र 58 वर्ष। हर महिला के लिए बस यात्रा मुफ्त होगी। हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति के लिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त की जाएगी। बेरोजगार युवकों के लिए बीए पास 8,000 व एमए पास 10,000। हर घरणी को चूल्हे के नाम पर 2,500 दिए जाएंगे। तो इस समय हम खड़े हैं करनाल कांग्रेस कार्यालय में, और इस समय हमारे साथ जो मौजूद है करनाल के कांग्रेस प्रत्याशी त्रिलोचन सिंह जी, उनसे बात करते हैं। उन्होंने सुबह ही जो है एक रोड शो निकाला, उनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्या उनको माहौल, सर क्या माहौल है आज रोड शो किया आपने? सर देखिए, पिछले 5 साल पहले करनाल के लोगों को बहकाकर भाजपा ने एक बाहरी व्यक्ति के लिए वोट ली, विधायक बने। लोग विधायक बनाते हैं, उनके दुख और सुख में काम आएंगे, लेकिन कहीं भी मनोहर लाल जी खट्टर करनाल के लोगों के दुख और सुख में शामिल नहीं हुए। वो सीएम बने, करनाल सीएम सिटी बनी, लेकिन चलते चलते अब सीएम सिटी क्राइम सिटी बन गई। स्मार्ट सिटी के नाम पर वोट मांगी, लेकिन स्मार्ट सिटी तो नहीं बनी, लेकिन जो पहले काम हुआ था वो भी रुक गए। और जगह जगह पर खड्डे, स्लम बस्तियों में बुरा हाल, पानी की निकासी नहीं है। जो स्मार्ट सिटी होनी चाहिए उससे कोसों दूर हैं हम। बीजेपी 75 बार का नारा दे रही है सर। देखिए, बीजेपी ने बोला था 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे जी, नोटबंदी के बाद खुशहाली आएगी जी, किसानों की आमदनी दुगनी होगी, मजदूर को रोज़गार मिलेगा। वो कौन से वादे पूरे हो गए? वो तो एक अपने मुँह से जो बात होती निकाल देते हैं, लेकिन आज 75 पार वाली बात कोई नज़र नहीं आ रही। लगता है उन्होंने वो भी जुमला ही तो उनका था। मुख्य एजेंडे सर कांग्रेस के क्या रहेंगे अगर आप प्रत्याशी हैं, अगर आप जीतते हैं विजय, तो उसको क्या बनेंगे? देखिए, जो हमारा मैनिफेस्टो लागू हो चुका है जी, मैनिफेस्टो के ऊपर सिर के ऊपर ही हम चलते हैं जी। मैनिफेस्टो अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो हरियाणा के लोगों की कसौटी पर खड़े उतरते हैं, जैसे 5,100 रुपये पेंशन 58 साल के लिए और 55 साल की महिलाओं के लिए, और महिलाओं के लिए टोटल बस यात्रा फ्री, कोई पैसा लगेगा, और हर आदमी के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री। ये 3-4 ऐसे वादे हैं, और बेरोज़गार को बीए पास को 8,000 रुपया और एमए पास को 10,000 रुपया, बेरोज़गार को वो भी मिलेगा, और 2,500 रुपया हर गृहिणी को मिलेगा, चूल्हे के नाम पर हर गृहिणी को भी मिलेगा जी। आगामी 21 तारीख को वोटिंग है सर, करनाल की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो 5 साल पहले करनाल की जनता ने भूल की थी वो भूल कर सुधारो। मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका सिपाही हूँ, करनाल में जन्मा हूँ और आपके बीच का हूँ। मैं जानता हूँ बसंत विहार कहाँ है, मैं जानता हूँ लाडू बगड़ी कहाँ है, मैं जानता हूँ सदर विहार कहाँ है। मुख्यमंत्री नहीं जानते और उनके जो OSD हैं वो भी नहीं जानते, इसलिए मैं उनके घर का आदमी हूँ। मैं जानता हूँ हर एक आदमी तकलीफ को जानता हूँ, यहाँ के कल्चर को जानता हूँ, और मुझे वोट दें और मैं उनके हर कसौटी पर खरा करूँगा।